भाई लोग अभी हम लोग पलाड़ा पार कर रहा है। पलाड़ा जो टर्निंग में मटन काटता है उसी जगह हम लोग मटन लिया है, जाके आगे में कोई जगह में छाया हुआ देख के बनाएगा। मटन में मसाला सब डाल के रेडी है, अब बस इसको मिलाना है और इसको बढ़िया से मिला लेंगे। मिला के अब फिर उस पर बैठाएंगे। मटन को चला लिए, देखिए मटन अपने कलर पे आ गया है और माने साइज बढ़िया है। मटन बढ़िया होगा तो एकदम फूल के गोल हो जाता है, नीचे सट रहा है। फिर अभी पानी डालेंगे, एक बार पानी डाल लिया हूँ, अभी दूसरा बार पानी डालूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। और गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं आम बागान। ये जगह जो है आम बागान में मशहूर है, इसको मतलब नाम पांडाधर है लेकिन हम लोग आम बागान बोलते थे। क्यों? 4 लाइन बनने से पहले दोनों साइड बहुत आम के गाछ पेड़ होती थी, इसीलिए हम लोग इसको आम बागान बोलते थे। बहुत दिनों के बाद, कम से कम हमको लगता है 6 महीने के बाद दिन में आया हूँ, नहीं तो रात में ही हम लोग आते थे। खड़गपुर से दिन में निकलते थे और यहाँ रात में पहुँचते थे। आज बहुत दिनों के बाद दिन में आए हैं, तो चलिए चलते हैं। और आप लोगों ने रात को देखा पिछले ब्लॉग में, हम लोग बिसोई में खाना खाए, वहाँ से गाड़ी लखन लेके चला। 90 किलोमीटर आने के बाद माँ काली होटल लगता है तिरमुंगा में, तो वहाँ नींद आने लगा इसको, तो गाड़ी होटल में साइड कर दिया। तो हम भी बोले चलो साइड कर दो। क्या होता है, पीछे हम लोग त्यौहार का दिन बीता है, थके होके थे घर में, बहुत सारे काम है त्योहारों में, इधर उधर मिलना घूमना तो थक जाता है आदमी। फिर रास्ते में गाड़ी लेके निकलते हैं तो चलता नहीं है, तो चलिए सो लिए, अच्छा किए, रिक्शा नहीं लेने का, रिक्शा लेके गाड़ी नहीं चलाना है। तो अभी हम लोग चलते हैं, चाय पियेंगे, सामने अखिलेश भाई का होटल है, तो चलते हैं वहाँ चाय पी के फिर यहाँ से निकलते हैं। और सीताराम तिवारी पीछे से फोन किए थे, यहाँ से 7-8 किलोमीटर वो पीछे है सुहाघाटी में, तो वो आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से साथ में निकलेंगे। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिए, और चाय पीकर सीताराम तिवारी का वेट करते हैं। वो रहा सामने होटल अखिलेश भाई का, चलते हैं होटल में और चल के वहाँ चाय वाय पी के फिर हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग होटल में अभी आ गए हैं, चाय हमारा बन रहा है, चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद चलेंगे। और यहाँ एक टायर वाला है, उसको आपको दिखाते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है वो। जब भी हम जिस ट्रिप में टायर का वर्ल्ड कप हुआ था हमारे साथ, 12-13 बार टायर पंचर हुआ था, तो लास्ट यहाँ पे यही भाई से बनवाए थे। बहुत तंग थे भाई, बहुत मदद किए इधर। थैंक यू। क्या नाम है? इकबाल। इकबाल भाई बहुत हमारा मदद किए थे। अब कहाँ के हैं? उत्तर गोरखपुर के हैं ना, हमारे हमारा के हैं बिहार के, तो हम लोग एक ही क्षेत्र के हैं, एक ही भाषा वाले हैं, भोजपुरी वाले। तो चलिए बहुत मदद किए थे भाई, इनका नाम याद रखूंगा और जिंदगी भर याद रखूंगा। तभी हम बहुत परेशान थे, बहुत सब जगह सब चीजों से परेशान थे। ऐसा नहीं होता है कि आप मेंटली फाइनेंशियली माने सब चीज से परेशान होता है आदमी, जब परेशान होता है तो उस टाइम आदमी को काम आना चाहिए, उसको याद किया जाता है, समझ ही जाता। तो चलिए अब चलते हैं, चाय पियेंगे साथ में, हमारे भाई भी इकबाल भाई भी पियेंगे, और चाय पीकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। हमारा चाय पीना हो गया, ये देखिए तिवारी जी आ गए। थैंक यू तिवारी जी। तिवारी जी अभी मतलब कुछ दिनों तक रोड में नहीं थे, अभी नए आए हैं। वो है तिवारी जी की गाड़ी 2926 WB33F। चलिए अभी रोड में आ गए हैं, अभी बराबर मिलते रहेंगे, पहले रोड में नहीं थे, लोकल में थे खड़गपुर। तो हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं, चाय पीना हमारा हो गया और देखते हैं आगे चल के खाना वाना बनाएंगे। तो काजी पानी घाट आने वाला है, घाट उतर जाते हैं उसके बाद खाना वाना बनाएंगे। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए। आ गया मंकी, देखिए बहुत प्यारा बंदर, आजा आजा आजा, ले 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 ले, ले ले, खा जा सब दे दिया, लोग खाना आराम से खाते रह गए, जा 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 जा। तो ये काजी पानी घाट है और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, घाट उतर जाते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों हम लोग घाट उतर रहे हैं और ये घाट काजी पानी घाट बहुत इसमें टर्निंग होता है, बहुत मोड़ है और बड़ी हिसाब से उतरना होता है। ये देख लीजिए इसमें इतना टर्निंग है ना, तो टर्निंग ही बचाना पड़ता है। घाट कोई चढ़ाई ज्यादा नहीं है और कोई खास वैसा नहीं है कि माने बहुत डाउनिंग है, लेकिन टर्निंग बहुत है। गाड़ी अगर आप नहीं आराम से चलाएंगे तो गाड़ी टर्निंग पर फेंका जाता है, कितना आयरन गाड़ी इसमें फेंका जाता है हर रोज, आपको कहीं ना कहीं मिलिएगा, वीडियो में बने रहिए, दिखाएंगे जरूर, कुछ ना कुछ तोड़ ताड़ के फेंका होगा इधर उधर, इतना टर्निंग है। तो चलिए हम लोग उतार रहे हैं आराम से। और इस गांव में, इस घाट में कुछ लोग हैं यहाँ के ट्राइबल्स जो है,
वो माने इस पहाड़ के ऊपर घर और बना के रहते हैं। वो देखिए घर गांव दिखेगा ऊपर में, बहुत दूर में है वो, वहाँ गांव दिख रहा है। वो देखिए उस साइड का रोड दिखाई दे रहा है। इस घाट में लोग रहते भी है, बहुत लोग माने गाँव भी है। तो गाँव वाले को भाई हमको लगता है कि वो दुनिया से कटे हुए हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने मन में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, खा पी के टाइट रहते हैं। आदिवासी लोग हैं वो, अपना जिंदगी अपने खुद जीते हैं। तो चलिए उतरते हैं घाट भाई लोग। अभी हम लोग पलाड़ा पार कर रहा है, पलाड़ा जो टर्निंग में मटन काटता है उसी जगह हम लोग मटन लिया है, जाके आगे में कोई जगह में छाया हुआ देख के बनाएगा। बहुत दिन हो गया था हम लोग भी बनाया नहीं था चिकन मटन, आज मिला है, देखा टटका काट रहा था इसलिए हम लोग ले लिया। चलो आगे में बनाने के टाइम वीडियो बनाता है। तो दिन के 10:30 बज रहे हैं और हम चले हैं कंडल। यहाँ से थोड़े ही आगे जाएंगे तो कंडल आएगा और यहाँ से देवगढ़ 20 किलोमीटर है। तो इस जगह पे हम लोग रुके हैं खाना बनाने के लिए। तो आज हमारा बनेगा मटन, मटन लिए हैं, मटन पलड़ा में देखे बढ़िया मटन था तो ले लिए। चलो यार बहुत दिन हो गया मटन खाए हुए, तो आज बनाते हैं मटन। देख लीजिए यहाँ पे मंदिर भी है और इस साइड डाउनिंग है और आरटीओ जो हमारे देवगढ़ के आरटीओ बाबू है इसी जगह पे खड़े होते हैं, लेकिन अभी लास्ट महीना है इसी वजह से वो नहीं है। लास्ट महीना में अब तो नहीं रहते हैं लोग, आज 28 तारीख हो गया और क्या रहेंगे, असूलना था वो जितना असूलनी है अपने महीने का। तो चलते हैं हम लोग बनाते हैं यहीं पे मटन। अब हमारा जुगाड़ चावल वावल धो के पहले चावल बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे मटन। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पे। हमारा चावल पक रहा है वहाँ पे और लक्ष्मण वो अदरक छील रहा है, मसाला रेडी कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए प्याज अदरक लहसुन है और ये हमारा मटन है, इसको धो लिए हैं, इसमें हल्दी डाल दिए हैं, ये प्याज भी काट के इसी में डालेंगे। हम लोग आज बनाएंगे बैठा हुआ, तो बनाते हैं सब मसाला काट के रेडी करके इसमें डाल देंगे और उस पर बैठा देंगे। एक बार चावल को चला लेते हैं, चावल भी बैठा हुआ बन रहा है, एक ही बार नाप उप के पानी डाल देते हैं हम लोग और बस चावल पक जाता है। जैसे एक गिलास चावल में 2 गिलास पानी डाल के बैठा दिए तो चावल बन गया और जल्दी बनता भी है, अरवा चावल होता है वो। हमारा चावल एकदम बनने वाला है और मटन में मसाला सब डाल के रेडी है, बस इसको मिलाना है। इसको बढ़िया से मिला लेंगे, मिला के फिर उस पर बैठाएंगे। और लखन लहसुन नहीं खाता है, मैं अपने लिए लहसुन भी एक डाल लिया हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं रईसी चिकन मटन करी। दोस्तों हमारा मटन बन रहा है, इसमें सब मसाला डाल दिए हैं, आप लोग देखभे किए हैं। अब इसमें डालेंगे तेल, तेल इसमें डालेंगे 50 ग्राम और इसको बढ़िया से मिला देंगे। मटन को मेन मसाला मिलाना पड़ता है, इसमें नमक उमक डाल दिए हैं। अब मसाला ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, जीरा गोल मिर्च है और थोड़ा गर्म मसाला जो होता है वो दालचीनी वगैरह वो सब थोड़ा खड़ा है, इसको मिला देंगे बढ़िया से। मिला के तब उस पर हम लोग बैठाएंगे, हल्का पानी दे देंगे। बढ़िया मिला है, देखे बढ़िया मटन था, मैंने ताज़ा दिख रहा था इसीलिए बोले ले लेते हैं। तो ये हमारा मिल गया, नमक उमक डाल दिए हैं इसमें, थोड़ा सूखा मिर्ची 2-4 को डाल देता है आदमी टेस्ट के लिए। और इसको बस ये वाला पानी डाल देंगे इतना, अब इसको बैठा देंगे उस पर। अब बैठा दिया, अब ये है इसको ढक देंगे बढ़िया से, इसको धो लेते हैं फिर इसी से ढक के। ऐसे तो ये डेक्ची में बनाया जाता है लेकिन हम लोग कढ़ाई में बना रहे हैं, डेक्ची नहीं है, डेक्ची छूट गया है। 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा बनाने से बढ़िया बनता है, हड़बड़ाएंगे तो बस वही ठीक नहीं होगा। तो देखते हैं, आराम से टाइम बहुत है अपने पास, बनाते हैं। थोड़ा टाइम ही लगेगा तो क्या हुआ है, लेकिन मटन में पैसा लगा है, बढ़िया से बना के खाएंगे। एक बार मटन को चला लिए, देखिए मटन अपने कलर पे आ गया है और माने साइज बढ़िया है। मटन बढ़िया होगा तो एकदम फूल के गोल हो जाता है, देखिए मटन का एकदम आकार बढ़िया हो गया है। तो चलिए बनाते हैं, यह मटन का पहचान है यही, अगर बढ़िया मटन रहेगा तो एकदम फूल के गोल गोल हो जाता है रसगुल्ला की तरह। मटन सट रहा है नीचे, इसको चलाना पड़ता है, थोड़ा कम पानी में मसाला को भूजेंगे, देखिए सटने लगा मटन एकदम, देख लीजिए मटन एकदम बन के आकार इसका जो है एकदम गोल गोल शेप में हो गया। तो अभी पानी डालेंगे, एक बार हुआ, अभी 2 बार और इसी तरीके से पानी डाल डाल कर इसको भूजना है। देखिए एकदम बढ़िया गोलाकार में हो गया है और नीचे सट रहा है, फिर अभी पानी डालेंगे एक बार। एक बार पानी डाल लिया हूँ, अभी दूसरा बार पानी डालूंगा, दूसरा बार के बाद तीसरा बार पानी, 3 बार पानी डालेंगे तब जाके मटन सीझेगा। तीसरा बार ये पानी डाल दिया अभी मटन में, मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पानी हो गया, अब इसको ढक देंगे, अब हमारा मटन बन जाएगा। टाइम भी 12:30 होने वाला है, तो मतलब पूरे 1.5 घंटा बनाए हम लोग, 11 बजे इसको स्टार्ट किए,
12:30 बजने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारा खाना बन गया है, हम लोग अब खाना निकाल रहे हैं। तो एकदम मटन बन के जबरदस्त हुआ है, देखिए ये रहा हमारा मटन और ये है इसमें चावल। तो अब निकालते हैं, खाते हैं भाई, टाइम भी बहुत हो गया। मटन तो बना है एकदम जबरदस्त, तो यहीं पर खा लेंगे बैठ के। थोड़ा जगह ठीक ही है, उतना कोई ख़राब नहीं है, जगह सकेस्ती है। चावल निकल रहा है हमारा, चावल अरवा चावल है, चावल तो मस्त हुआ है एकदम। हमारा मटन निकल रहा है, बस 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 बस, हाँ ये वाला, ये होता है सीना, बकरा का सीना खाया जाता है। तो खाते हैं भाई, हमारा खाना निकल गया है। उठाओ थाली, उठाओ थोड़ा, और देखिए खाने में एकदम मटन जबरदस्त बना हुआ है, मटन का कलर देखिए। तो खाते हैं और खाने का अनुभव करते हैं, जंगल का, जंगल में मंगल का अनुभव हो रहा है। खाते हैं। तो दिन के 1 बजने लगे, हमारा खाना पीना हो गया भाई, बड़ी मस्त खाए, मस्त बना था मटन और उसका ग्रेवी बहुत बढ़िया हुआ था एकदम। खाए भात साथ, राइस के साथ लपेट गए, मज़ा आ गया। अब चलते हैं, लखन गाड़ी ले चलेगा, मैं थोड़ा आराम करूँगा। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, चल के संबलपुर, हमारा जो आरा भोजपुर होटल है हमारे गाँव का, वहीं पर हम लोग नहाएंगे। यहाँ से निकलते हैं और वहाँ जाने में संबलपुर 3 घंटा लगेगा वो होटल पर, तो 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, ठीक ही टाइम से पहुंच जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी संबलपुर चले आए हैं पड़िया बहाल में, ये जगह का नाम गौड़पाली है और ये है आरा भोजपुर होटल, होटल उधर पास में है, आपको दिखाएंगे। और हमारा टायर पीछे पंचर हो गया था काजीपानी घाट में, तो वहाँ पे देखिए टायर जो था वो लिफ्ट का टायर पंचर हो गया था, पंचर नहीं उसमें एयर था, वो टायर है, एयर की वजह से, एयर हुआ टायर चलता नहीं है, देखिए ये फट गया यहाँ से, ये दिख रहा है, ये देख लीजिए, एयर था पहले से, एयर होने की वजह से टायर फट गया। अभी ले आके यहाँ पे बनवा रहे हैं, अपने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अब मैंने अपने दुकान पे हैं, अपने होटल पे हैं, तो अच्छे लोग हैं, पहले भी इनके साथ हमारा मतलब टायर और बनाया है, तो बढ़िया लोग है। तो अभी टायर बनवा रहे हैं, अब ये नुकसान की घड़ी, ये तो आप सोच के चलते नहीं हो घर से कि हमारे साथ रास्ते में होगा, वो होगा, टायर पंचर होगा। खाने पीने का पैसा लेके चलते हैं, बीच में टायर पंचर हो जाता है तो पैसा, खाने का पैसा जो है टायर टान लेता है, ऐसा अक्सर होता है। तो चलिए अब हुआ सो हुआ, इसको बनवा लेते हैं। तो रात के 8:30 बज रहे हैं, हमारा नहाना धोना हो गया, हम लोग टायर बना रहे थे, टायर बनाकर नहा धोवा लिए, अब चलते हैं यहाँ से कुछ खा लेंगे और फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं आगे संबलपुर सोहिला। हमारा माल है बलौदा बाजार का, बलौदा बाजार अभी भी यहाँ से 300 किलोमीटर के लगभग है, तो चलते हैं, इधर रोड अच्छा है, पूरी रात लगेगा, सुबह तक हम लोग पहुँच जाएंगे। आइए रहा होटल, और है पप्पू जी, ये है पप्पू जी। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं होटल से, अभी खाना नहीं खाए, क्या है कि दिन में खाए थे चिकन दबा के खाए थे, अब लग रहा है कि खाना खा लेंगे तो इधर भंगवा जाएंगे, मतलब वही हजम नहीं हुआ है, तो बोले चलो यार 1-2 घंटा गाड़ी चलाते हैं सोहिला बॉर्डर की तरफ खा लेंगे, ऐसे भी हमारा मटन बचा हुआ है, रोटी ले लेंगे 2-4 गोवा खा लेंगे, इधर खाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो चलिए उधर ही खाएंगे, निकलते हैं हम लोग यहाँ से। दोस्तों रात के 12 बजने लगे और हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ में सरायपाली बॉर्डर पास करके, अब बस सरायपाली से हम 2 किलोमीटर पीछे हैं और हमारा रास्ता इस बार डाइवर्ट हो जाएगा सरायपाली से, सरायपाली से राइट मार के भीतर होते हुए हमको जाना है चांपा, चांपा के पास में बलौदा है, बलौदा का हमारा माल खाली होगा, तो यहाँ से और भी 135 किलोमीटर है और पास में यहाँ होटल था, होटल से हम लोग खाना खाने के लिए रुके थे, तो खाना वाना खा लिए, दिन का सब्जी था, दिन में मटन बना था, होटल से रोटी ले लिए, तो खाना खाओ के अब रेडी है, अब यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं हम लोग, और भी 3-4 घंटा लगेगा वहाँ जाने में, तो चलते हैं और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।